द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 10 सेंटीमीटर. ए कॉन्वेक्स लेंस उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, डिफ्रेक्ट इंडेक्स 1.5. सुन आप, ये कॉन्वेक्स लेंस है भाई, ठीक है. इसका रिफ्रेक्ट इंडेक्स कितना दे रखा है आपको? 1.5. इसकी फोकल लेंथ कितनी दे रखी है आपको? 10 सेंटीमीटर दे रखी है. इफ द रेडियस ऑफ क्रेचर ऑफ वन सरफेस इज 7.5 सेंटीमीटर. एक सरफेस है जिसका आर है 7.5, ठीक है. द रेडियस ऑफ क्रेचर ऑफ सेकंड फेस विल बी, यार एक बात बताऊँ, बाहर का तो वन मान के चलोगे आप, नहीं दे रखा तो बाहर का मीडियम वन मान के चलते हैं, एयर मान के चलते हैं हम लोग सिद्ध, क्योंकि ना उसके बिना काम चलेगा ना इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन को साफ देख के पता लग रहा है कि लेंस मेकर फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे, क्योंकि लेंस की फोकल लेंथ की जो बात होती है वो लेंस मेकर फॉर्मूला में ही होती है. इस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, अंदर का मीडियम, बाहर का मीडियम, ठीक है, और फोकल लेंथ, इन सब के बीच में एक रिलेशन है लेंस मेकर फॉर्मूला. तो इस क्वेश्चन की शक्ल देखते ही पता लग गया कि इसने अंदर का मीडियम दे दिया, फोकल लेंथ दे दी, रेडियस ऑफ कर्वेचर एक दे दिया, दूसरा पूछ रहा और फोकल लेंथ दे दी. मैं समझ गया कि ये इन सारी चीज़ों के बीच में रिलेशन तो लेंस मेकर फॉर्मूला के अंदर ही है. वैसे तो क्या है कि इसने अगर लेंस की फोकल लेंथ की बात कर दी तो ध्यान सारा दो ही फॉर्मूलों पर चला गया, या तो 1 - 1/u + 1/v = 1/f इसके ऊपर, या फिर ध्यान चला गया हमारा किसी इसके ऊपर, लेंस मेकर फॉर्मूला पे. लेंस मेकर फॉर्मूला के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है ना, हर बार यही आ जाता है क्वेश्चन अक्सर उठ के. तो इसके अंदर अगर मैं ये बाहर का मीडियम वन ना मानूं तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे फिर आप? दो वेरिएबल हो जाएंगे लेंस मेकर फॉर्मूला में, तो एक तो एन वन बाहर का मीडियम और एक फोकल लेंथ, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो नहीं पाएगा. तो बाहर का मीडियम वन मानना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना. तो इक्वेशन लिखोगे आप, एन वन बाई एफ इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन डिवाइडेड इंटू में 1/r1 - 1/r2. ये करोगे आप इसमें, एन वन की वैल्यू 1/f इज इक्वल्स टू एन टू माइनस एन वन, 1/2 बनेगा ये, ठीक है ना, क्योंकि 1.5 - 1 1/2 बनेगा. 1/r1 लाइट रे इधर से इधर गई है, तो पहले तो पड़ेगी कॉन्वेक्स पार्ट पे, कॉन्वेक्स पार्ट पे पड़ेगी तो प्लस का 1.75 1/7.5, फिर माइनस में, फिर ये माइनस वाले पार्ट पे पड़ेगी. आर जो है ना, आर को आप एक काम करो, किसको, एफ को 10 लिख दो, ये लो वैल्यू नहीं लिखी थी भाई, इसको 10 लिख दो आप, ठीक है, प्लस का ही 10 लिखो, ये कॉन्वेक्स है. तो ये जो आर है, आर को विद साइन ही पुट कर दो यार, आप अपने आप आ जाएगा, मतलब वैल्यू आ जाएगी बस, विद साइन पुट कर दिया मैंने पहले से ही, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है इसने बोल दिया. तो आर को भी अब मैं ये नहीं पता था ना ये बाउंड्री कैसी है, तो साइन ना पुट करते अपने आप आ जाता आंसर, अभी भी अपने आप ही आ जाएगा, नेगेटिव आएगा आर. ये लो, आर को साइन मत पुट करो, आर का अपने आप आ जाएगा नेगेटिव साइन, करके देख लेना आपसे, क्योंकि हमें पता ही है यार आर नेगेटिव इसमें आएगा. करो सॉल्व. तो 1/5 इक्वल टू 7.5, देखो 1/5 इक्वल टू 15/2 आएगा यहाँ पे, या 2/15 आएगा, आपके पास 1/r की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, इसको इधर ले लो, 2/15 - 1/15, तो 1/r की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, क्या कह रहे हो, 5 था क्या, ये 5 था यार, एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें, 15 एलसीएम ले लिया, क्या आंसर आएगा, 2 - 3, तो r आ गया ना -15, हमें पता था नेगेटिव में आना है, तो 15 सेंटीमीटर आएगा यार, कोई बात नहीं, नेगेटिव जाने की जरूरत नहीं अभी, आंसर की में सीधे रखा था इस बात पे, पीछे गलत दे रखा, 15 ही आएगा आंसर, यही आएगा.